आप दोनों से जानना चाहूंगा, जिस वक्त आपको अप्रोच करा गया शो के लिए, आप दोनों का क्या रिएक्शन था? स्टार्ट विद यू। मैं उसी वक्त डर गई थी क्योंकि मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बट मुझे एक्सपीरियंस करना था क्योंकि नॉर्मल लाइफस्टाइल में बॉम्बे में हम ऐसे सिचुएशन में कभी नहीं आते कि हमारे ऊपर 10 सांप छोड़ दिए या शेर आ गया उसके साथ घूम लिया, ऐसा नहीं। तो मुझे वो एक्सपीरियंस करना था। मैं एडवेंचरस पर्सन नहीं हूँ बट मुझे शौक है करने का, एक्सपीरियंस करने का, तो आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू इट। मुझे इससे पहले कई बार ऑफर आ चुका है खतरों के खिलाड़ी का और हर बार मैं डर के मना कर लेती थी, हमेशा अच्छा लगता था, नहीं आई विल नॉट बी एबल टू। व्हेन दिस टाइम दे कॉल्ड मी, आई वाज एट होम, एवरीबॉडी वाज एट होम बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। माई डॉटर सेड आई एम मैड एवरी टाइम यू से नो, तुम कब करोगी, खत्म हो रही है उम्र, चलो जाओ, इफ़ यू डोंट गो दिस टाइम यू विल नेवर गो एवर, मतलब इसके बाद वो बुलाएंगे नहीं और आपको चांस मिलेगा नहीं। ट्राई एवरीथिंग जो पॉसिबल आपके सामने आ रहा है, ट्राई एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में नहीं मिलता ट्राई करने का। सो इफ़ यू गेटिंग एन ऑप्शन, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, जस्ट गो। मैं भी कहा ओके गो, लेट्स गो, जाके चीख चिल्ला के ऐसे तैसे करा के आ गए हम वापस। किस डर पे जीत हासिल करी वहाँ जाके, जैसे आपने कहा कि बहुत ऐसा बड़ा कुछ नहीं होता भाई कि डर पे जीत हासिल हो, दो चार एक्स्ट्रा डर लेकर वापस आए। दो चार ने बहुत मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था बहुत गहरा, मुझे पता मुझे याद भी नहीं, बचपन में कहीं बहुत छोटी थी तब से मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया था और है, अंधेरे से डर लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मेरे किचन में कॉकरोच, किसी ने कह दिया ओ कॉकरोच, मैं अपने बेड के वहाँ बेडरूम में बेड पर चीख रही थी, निकलो निकलो जल्दी निकलो कॉकरोच निकलो। सो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको हर चीज़ से डर लगता है। और हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हॉलीडे के नाम पे हम वाइल्ड लाइफ देखने के लिए एक बंद जीप में जाते हैं, ऐसे ऐसे देख के फोटो खींच के वापस आ जाते हैं। यू एक्चुअली व्हेन यू मीट चीताज एंड लायंस एंड एवरीबॉडी अराउंड यू, इट्स एन एक्सपीरियंस। सो या एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, पहली बार केप टाउन गई थी, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, लेकिन पूरे मतलब पूरा सीधर में सिर्फ चीखी हूँ क्योंकि मुझे इतना डर लगता है, मतलब क्रीपी क्रॉल से और फिर रेप्टाइल से। और मैं इसका ये मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप नॉर्मली, ठीक है आप लोग भी हैं आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी ब्रेव, पर यहाँ से एक अगर चूहा भागे, यहाँ आगे से लेकर आउच 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 करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज। अब आपको कहीं बंद करके हजार चूहे आप पे डाल दें तो आप चीखेंगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग, बहुत डरावना था मेरे हिसाब से, ये सीजन बहुत ही ज़्यादा डरावना है, हम लोगों ने काफ़ी डेयरिंग दिखाई है, बट हमारे हिसाब की ट्रेनिंग, आपके हिसाब की ट्रेनिंग, हमसे जितना हो सका उस तरह की ट्रेनिंग दिखाई। आपको मैं सच बताऊँ, हमेशा हम हमेशा सोचते हैं जब हम देखते हैं वीडियो और एपिसोड्स देखते हैं तो हमको लगता है ये स्टंट हम कर लेंगे यार, हम हाँ आपस में भी बात करते थे जब कोई और कर रहा होता है ना, तो हमको लगता था खतरों के खिलाड़ी। अगर आपकी कैपेसिटी, आपकी कम्फर्ट लेवल पे आपके स्टंट होने लगे तो मतलब ही नहीं है। सो या थैंक यू।